दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटो G5S प्लस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और यूनिक फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोटो G5S प्लस के कुछ यूनिक फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखिए वरना आप कुछ यूनिक और स्पेशल फीचर्स मोटो G5S के मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिक फीचर से, जो कि है मोटो ऐप का सपोर्ट। इस मोटो ऐप को यूज़ करके आप बहुत सारा कुछ यूनिक जेस्चर्स और यूजफुल फंक्शंस कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं अंधेरे में आपको फ्लैश की ज़रूरत है, आप जल्दी से अपना फ्लैश ऑन करना चाहते हैं, तो जल्दी से दो बार चॉप कीजिए अपने हाथ को और आप देख पाएंगे आपका फ्लैश जो है जल्दी से ऑन हो जाएगा। फिर से दो बार चॉप कर लीजिए और ये दोबारा से ऑफ हो जाएगा। अगर आपको कहीं जल्दी से फ़ोटो कैप्चर करना है तो आप जल्दी से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपके हाथ को शेक कर सकते हैं ऐसे, और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। फिर से दोबारा से शेक कीजिए और आपका फ्रंट कैमरा दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो ये सब जेस्चर्स आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये सब बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके डे टू डे लाइफ में। तो इन सब फीचर्स को मैनेज करने के लिए आपको जाना होगा मोटो ऐप के अंदर। मोटो ऐप आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएगा या फिर आप मेन्यू में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मोटो ऐप मिल जाएगा। मोटो ऐप को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है मोटो एक्शंस, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉप ट्वाइस फॉर लाइट, ट्विस्ट फॉर क्विक कैप्चर, स्वाइप टू श्रिंक स्क्रीन, ये 100 मोड के लिए है। इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिकअप टू स्टॉप रिंगिंग, मान लीजिए आपका फ़ोन रिंग हो रहा है, आप फ़ोन को उठा लेंगे तो आपका रिंग जो है स्टॉप हो जाएगा, और फ्लिप कर देंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 100 मोड के बारे में। ये फ़ोन 5.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, तो कभी कभी किसी किसी लोग को प्रॉब्लम हो सकता है 100 ऑपरेशन के लिए, तो इसके लिए आप इस फ़ोन को 100 मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 मोड में चेंज करने के लिए आपको बीच में से कहीं भी कॉर्नर के साइड में ड्रैग करना होगा और आप देख पाएंगे आपका फ़ोन जो है श्रिंक होके 100 मोड पे आ जाएगा और आप एक हाथ से बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और वापस जाने के लिए बाहर क्लिक कीजिए और ये वापस से चला जाएगा। बीच में से किसी भी कॉर्नर की तरफ ड्रैग कीजिए और आपका ये 100 मोड ऑन हो जाएगा। 100 मोड के साथ यहाँ पे एक बहुत ही यूज़फुल और भी फंक्शन मिल जाता है आपको, जो कि है वन बटन नेविगेशन। वन बटन नेविगेशन बहुत ही अच्छा और यूज़फुल फीचर है। अगर आपको ये ऑन स्क्रीन बटन्स पसंद नहीं आते जो आपके स्क्रीन के थोड़ा पोर्शन को ब्लॉक करके रखता है, तो आप वन बटन नेविगेशन मोड को इनेबल कर सकते हैं। और इसकी मदद से जैसे आप देख पाएंगे इसको इनेबल करने के बाद आपका जो ऑन स्क्रीन बटन्स थे वो चले गए हैं और ये सिर्फ एक बटन से आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये होम बटन है, इस बटन को यूज़ करके आप होम पर जा सकते हैं या फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। किसी भी ऐप में अगर होंगे तो आपको बैक में जाने के लिए लेफ्ट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा और आप बैक में चले जाएंगे। रीसेंट मेनू में जाने के लिए आपको राइट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा ऐसे, और आप रीसेंट मेनू को टॉगल कर पाएंगे। और होम में जाने के लिए होम स्क्रीन पर एक बार टैप कीजिए और आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये पहले थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन एक बार आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको ऑन स्क्रीन बटन्स का झंझट भी नहीं रहेगा। इसके बाद मोटो ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा मोटो डिस्प्ले का सपोर्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोटो डिस्प्ले दिखा रहा है। मोटो डिस्प्ले के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलता है, एक है मोटो डिस्प्ले जो कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टाइप है, ये ऑलवेज ऑन नहीं रहता है, लेकिन जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये ऑटोमेटिक ग्लो करके आपको बता देगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे जब भी मैं इस फ़ोन को उठाता हूँ तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आ गए हैं और ये आपके होम स्क्रीन से ही आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप आसानी से इनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यहाँ से ही सिंपली रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिप्लाई करने का एक ऑप्शन आता है, रिप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ से ही कुछ रिप्लाई करके सेंड भी कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन को अनलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप होम स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर चाहे तो आप यहां से म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे प्ले पॉज और नेक्स्ट का बटन दिया गया है, आप चाहे तो यहां से प्ले पॉज या नेक्स्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको फ़ोन को अनलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉक स्क्रीन से ही आप इन सबको मैनेज कर सकते हैं और अपने नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और रिसेंट टाइम को देख सकते हैं। और मोटो डिस्प्ले के अंदर आपको एक और यूज़फुल फीचर मिल जाता है जो कि है नाइट डिस्प्ले। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपके फ़ोन के ऊपर एक येलोइश टिंट आ जाता है, आपका जो ब्लू लाइट है ब्लू लाइट के ऊपर एक फिल्टर आ जाता है, इसके वजह से आपके आंखों को थोड़ा कम दिक्कत होगा और रात में आपको सोने में आसानी होगा। दोस्तों एंड्रॉयड नॉगट के साथ आपको 3D टच जैसे कुछ फीचर्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप थोड़ा बहुत यूज़फुल फंक्शंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज़फुल काम कर सकते हैं। जैसे आप होम स्क्रीन पे हो या फिर अपने मेनू पे हो, आप
किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको ऐप को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिन ऐप को ये सपोर्ट करता है उन सब ऐप से आप ओपन किए बिना ही क्लिक करके आप यहाँ से कुछ फंक्शंस कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये सभी ऐप को सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सभी ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। दोस्तों नॉर्मली जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है हमारा वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस फ़ोन को लैंडस्केप मोड भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। करने के बाद आप यहाँ पर नीचे सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ होम स्क्रीन टू रोटेट, इसको इनेबल कर देंगे तो आप लोग देख पाएंगे जब भी आप फ़ोन को रोटेट करेंगे तो आपका ये जो फ़ोन है लैंडस्केप मोड पे आ गया है और आप यहाँ पे लैंडस्केप मोड में भी आपका फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सेटिंग्स में से यहाँ पे स्वाइप एक्सेस देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है। जब भी आप होम स्क्रीन हो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम एंड में आपको गूगल का फीड आ जाता है। आप चाहे तो इसको बंद करके रख सकते हैं। इसको बंद करने के लिए सेटिंग्स में जाके स्वाइप एक्सेस को सिलेक्ट कीजिए और इसको नथिंग कर दीजिए तो आपका ये गूगल फीड जो है बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो गूगल फीड का ये जो ऑप्शन था ये बंद हो गया है। तो अगर आप चाहे तो ये बंद करके रख सकते हैं। दोस्तों मोटो G5s में आपको नोटिफिकेशन टॉगल्स मिल जाते हैं और टॉगल्स के अंदर आपको कुछ डिफॉल्ट टॉगल्स मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर में एक पेंसिल का बटन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप मैनुअल एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट जो नोटिफिकेशन टॉगल्स थे वो ऊपर में दिए गए हैं और नीचे कुछ एक्स्ट्रा टॉगल्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहे तो किसी को भी यहाँ से ड्रैग करके ऊपर में ला सकते हैं या फिर किसी को भी चाहे तो ऊपर से ड्रैग करके नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट जो है बाय डिफॉल्ट में नीचे रहता है, ये ऊपर में नहीं रहता है। तो आप चाहे तो इसको ऊपर में रख सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। दोस्तों अगला जो ट्रिक है वो बैटरी परसेंटेज के बारे में है। नॉर्मली मोटो फोन्स में आपको बैटरी परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरे फ़ोन में नोटिस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी के ऊपर परसेंटेज दिया गया है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप बैटरी के ऊपर परसेंटेज देखना चाहते हैं तो आपको सिस्टम UI ट्यूनर को इनेबल करना होगा। और सिस्टम UI ट्यूनर को इनेबल करने के लिए नॉर्मली नोटिफिकेशन टॉगल को ड्रैग डाउन कीजिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेटिंग्स का एक आइकन दिया गया है। सेटिंग्स का आइकन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके जब भी रखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका सिस्टम UI ट्यूनर जो है ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। और सिस्टम UI ट्यूनर इनेबल हो जाने के बाद आपको सेटिंग्स में एकदम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा सिस्टम UI ट्यूनर। सिस्टम UI ट्यूनर में चले जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे स्टेटस बार का एक ऑप्शन दिया गया है। स्टेटस बार को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एकदम नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे बैटरी एक ऑप्शन दिया गया है। बैटरी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और परसेंटेज ऑलवेज शो परसेंटेज कर दीजिए। इसके साथ साथ आप और भी एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आपका जो क्लॉक है वो आवर और मिनट में दिखाता है, जैसे यहाँ पे 12:47 बज रहा है। आप चाहे तो इसको चेंज करके सेकंड्स में भी ला सकते हैं। इसके लिए भी आपको नीचे की तरफ जाना होगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं टाइम में ऑप्शन दिया गया है शो आवर्स एंड मिनट्स का, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद शो आवर्स मिनट्स सेकंड कर दीजिए। ये करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आवर और मिनट के बाद सेकंड्स का ऑप्शन भी आ जाता है। दोस्तों मोटो G5 प्लस में डुअल रेयर कैमरा दिया गया है और इन कैमरे में भी आपको कुछ कूल ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए कैमरा UI को ऑन कर लेते हैं। और कैमरा UI ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको इनबिल्ट QR कोड स्कैनर और बार कोड स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो आपको QR और बार कोड स्कैन करने के लिए अलग से ऐप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने फ़ोन के सामने QR कोड को ला दीजिए और ये ऑटोमेटिक स्कैन करके आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ला देगा। आप कोई भी बार कोड या QR कोड को स्कैन यही से कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग बहुत ही आसान है, आप QR कोड और बार कोड को ईजिली स्कैन कर सकते हैं बिना कोई ऐप डाउनलोड किए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरे में डेप्थ इनेबल मोड देखने को मिलता है और ये डेप्थ इनेबल मोड से फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आप फोटोज़ को कुछ यूनिक तरीके से एडिट कर सकते हैं। और इसको करने के लिए फ़ोटो को ओपन कीजिए और नीचे एडिट को सिलेक्ट कीजिए और डेप्थ एडिटर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगर बैकग्राउंड को रिप्लेस करना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ फोरग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा और आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा वैनिश हो गया है। और मैं चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड डाल सकता हूँ, कोई भी वॉलपेपर जो मेरे पास होगा मैं उसको बैकग्राउंड में यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ आप
और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे सिलेक्टिव फोकस कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को और भी ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, या फिर ब्लरिंग को थोड़ा और कम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। फोरग्राउंड में कलर रहेगा, बैकग्राउंड में पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। तो आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकते, एडिट कर सकते और बहुत ज़्यादा फन कर सकते और सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मोटो G5 S Plus में आपको एक इनबिल्ट ऐप मिलता है, जिसकी मदद से आप डेली वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक से आपका वॉलपेपर चेंज करके देगा। तो मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक नीचे की तरफ वॉलपेपर का एक ऑप्शन आता है, वॉलपेपर को सिलेक्ट कीजिए। और वॉलपेपर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। तो आपको एक कैटेगरी चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आप कोई भी कैटेगरी को ले लीजिए। चूज़ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेली वॉलपेपर का एक ऑप्शन आता है। डेली वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ओके करने के लिए बोलेगा, और ये आपका डेली नया नया वॉलपेपर आपके लिए लेके आएगा और हर दिन आपके लिए एक नया वॉलपेपर सेट करके देगा। और मोटो G5 S Plus एंड्रॉयड नोगट के साथ आता है, तो इस पे आपको एंड्रॉयड नोगट के कुछ बेसिक फीचर्स भी देखने को मिलता है, जैसे मल्टी विंडो का सपोर्ट। मल्टी विंडो का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी ऐप को ड्रैग करके ऊपर में लेके जाइए और नीचे कोई भी ऐप को ओपन कर दीजिए, तो आप ऐसे दोनों ऐप को एक साथ ओपन कर पाएंगे। इसके साथ आप क्विक ऐप स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ऐप में हैं, आपको तुरंत पिछले ऐप में जाना है, तो आपको डबल टैप करना है अपने रीसेंट बटन को और आपका लास्ट जो ऐप था वो ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। और मोटो G5 S Plus में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के आप उसको एज ए इंटरनल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद, स्टोरेज सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक इंटरनल स्टोरेज और दूसरा सैमसंग SD कार्ड। सैमसंग SD कार्ड या फिर आपका जो SD कार्ड है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो आपका ये ऐसा ओपन होकर आएगा। ओपन होने के बाद टॉप के साइड में 3 डॉट्स को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग्स में, स्टोरेज सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट एज इंटरनल। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका मेमोरी कार्ड जो है पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और आपका मेमोरी कार्ड जो है एज ए इंटरनल स्टोरेज यूज़ होने लगेगा। आप उसमें ऐप्स और गेम्स इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मोटो G5 S Plus के सारे यूनिक फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉयड बडी को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।